के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं, जिसमें आज मुकाबला हो रहा है कर्नाटका और केरल के बीच। देखिए, आज एक ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जो जन्मे अपने स्थान पे यानी कि केरला से वो बिलोंग करते हैं और आज वो अपने ही जन्म स्थान के खिलाफ खेल रहे हैं। जी हाँ, कर्नाटका की तरफ से खेल रहा है। मैं बात कर रही हूँ देवदत्त पेडिकल की, जिनका आईपीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। जी हाँ, विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में भी इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और आज के मुकाबले में इन्होंने फिर से सेंचुरी जड़ी। जी हाँ, 101 रन का स्कोर खड़ा कर देवदत्त पेडिकल ने सबको जो है खुश कर दिया। आपको बता दें कि इसमें 10 चौके थे और 2 छक्के, यानी कि चौके छक्कों की बरसात के साथ इन्होंने 101 रन का स्कोर खड़ा करा। कर्नाटका की तरफ से इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी टीम को मजबूती दिलाई। उसी के साथ आपको बताते हैं कि कर्नाटका की टीम के जो कैप्टन है रवि कुमार समर्थ, उन्होंने भी 192 रन का स्कोर खड़ा करा, जिसमें 22 चौके और 3 छक्के। यानी कि कर्नाटका की टीम तो आज पक्की है, जिसमें दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को मजबूती दे रहे हैं। देखिए, देवदत्त पेडिकल की बात करते हैं तो आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में जितने भी मुकाबले हुए उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले बात करते हैं रेलवेज के खिलाफ के मुकाबले की, जिसमें उन्होंने 145 रन का स्कोर खड़ा करा। केरल के खिलाफ जो एक मुकाबला हुआ था इनका, उसमें 126 रन का स्कोर खड़ा करा, जिसमें और उसके बाद ओडिशा के खिलाफ इन्होंने 152 रन का स्कोर खड़ा करा। उसके बाद इनका मुकाबला हुआ बिहार के खिलाफ, जिसमें 57 रन का स्कोर खड़ा करा और आखिरी मुकाबला हुआ इनका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के खिलाफ, जिसमें 52 रन बनाए। आज के मुकाबले में इन्होंने 101 रन का स्कोर खड़ा करा। देखिए, केरला की टीम की बात करें तो रॉबिन उथप्पा ने अभी 2 ही रन बनाए हैं, अभी मुकाबला जारी है, आपको बताते रहेंगे हम अपडेट। लेकिन देवदत्त पेडिकल की तारीफ इस बार काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। चौके छक्कों की बरसात के साथ उन्होंने बता दिया आज कि वो अपनी टीम को आज जीत दिला कर रहेंगे। अब देखिए आगे आने वाले आईपीएल मुकाबले में उनका कैसा प्रदर्शन रहता है और उम्मीद करते हैं कि वो आज अपनी टीम को जो है क्वार्टर फाइनल में जिता कर रहे हैं और सेमीफाइनल तक पहुंचा के रहे। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, यानी कि T20 टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी उन्होंने 99 रन बनाए थे, जिसमें वो 1 रन से चूक गए थे सेंचुरी बनाने से। देखिए, 21 साल भी इनके पूरे नहीं हुए और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज जो हैं, ये धुआंधार पारी से अपने सबको खुश कर रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप देवदत्त पेडिकल के प्रदर्शन से कितना खुश है। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।